हरे कृष्णा। यहाँ पे कर्दम मुनि बोल रहे हैं, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले। तो जो कर्दम मुनि हैं, उन्होंने भगवान के बहुत लंबे समय तक तपस्या की है, और भगवान जो है कर्दम मुनि के सामने प्रकट हुए हैं, और बहुत प्रेमवश कर्दम मुनि जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान आपके अलग अलग अनंत रूप हैं, और ये रूप जो है सारे के सारे दिव्य हैं और भक्तों को आनंदित करने वाले। राम अनंत, अनंत रूप अमित कथा विस्तार। भगवान अनंत हैं, भगवान के रूप भी अनंत है, भगवान की कथा भी जो है अनंत है। तो और इस अनंत कथा को अनेक अनेक तरह से भक्त लोग चर्चा करते हैं। मच्चतः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। इस कथा को लोग सुनते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं, जितने समुद्र के अंदर लहरें हैं उससे ज्यादा भगवान के अवतार है। फिर दूसरी जगह पे भागवतम में ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि पूरे ब्रह्मांड को बिल्कुल चूरा चूरा कर दिया जाए, तो जितने भी कण हैं उसका गिनती कर पाना आसान है, लेकिन भगवान के गुणों का, भगवान के अवतारों का काउंटिंग कर पाना इम्पॉसिबल है। भगवान अपने आप को बहुत अलग अलग रूपों में विस्तार कर रहे हैं। तत्व से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे किस तरह से जो है महा भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी से जो है फिर चतुर्व्यूह की रचना होती है, फिर दूसरा चतुर्व्यूह आते हैं, फिर आपके जो है महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु फिर जो है जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं। उन हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है भगवान जो है प्रवेश करते हैं। फिर हर एक एक अणु के अंदर जो है भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। तो इस तरह से भगवान जो है अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार कर, और लेकिन ये सारे के सारे जितने भी अवतार हैं ये दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसमें से कोई भी अवतार जो है मटीरियलिस्टिक है, नहीं। भगवान जो स्पिरिचुअल है, भगवान के सारे अवतार जो है वो स्पिरिचुअल है। और ऐसा नहीं है कि कोई अवतार दूसरे अवतार से ज्यादा पावरफुल है। जैसे अगर कोई बोले कि भगवान के एक अवतार है भगवान राम, भगवान के एक अवतार है परशुराम, भगवान के एक अवतार है कल्कि, तो कल्कि थोड़े से कम फेमस है, तो वो भगवान राम से जो है थोड़ा कम पावरफुल हो गए। परशुराम भी भगवान के अवतार है तो परशुराम कम पावरफुल हो गए। हाँ, या नरसिंह भगवान ज्यादा पावरफुल है, नहीं। तो इसके लिए जो है श्रील प्रभुपाद फोर्थ चैप्टर भगवद गीता का उसमें समझाते हैं कि जितने भी ये जो अवतार हैं सबकी पोटेंसी, सबकी पावर जो है वो बराबर है, लेकिन अपने जिस मूड से आते हैं, जिस मिशन से आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सारे अवतार अपना अपने शक्ति का, अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। अभी जैसे एक फिफ्थ क्लास का बच्चा है, अब फिफ्थ क्लास के बच्चे को एक टेंथ क्लास का बच्चा आके पढ़ाएगा तो भी फिफ्थ क्लास की बात पढ़ाएगा, कॉलेज का बच्चा आएगा तो भी फिफ्थ क्लास की बात आके पढ़ाएगा, पीएचडी करता हुआ बच्चा आएगा, स्टूडेंट आएगा, पीएचडी स्टूडेंट आएगा तो भी फिफ्थ क्लास की बात ही पढ़ाएगा। तो हमारे जो मूड है, हमारी जो एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से जो है भगवान अपने अलग अलग विस्तारों में अलग अलग लेवल तक उसको प्रकट करेंगे। ना कि ऐसा नहीं है कि कोई अवतार ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, लेकिन इतने अवतारों के होने के बाद भी भगवान कृष्ण जो है सभी अवतारों के जो है सोर्स है। इस चीज को जैसे आपने सुना है ब्रह्म संहिता में, दीपा चिरे विदशांतरम विपेत्य दीपायते विव्रहे
तो समान धर्म, जिस तरह से एक दीपक से आप बहुत सारे अलग अलग दीपक जला देते हैं, तो हर एक दीपक का वही पावर है जो पहले वाले दीपक का पावर है, बट स्टिल जो पहला वाला दीपक है वो सारे दीपकों का सोर्स है। वैसे ही जितना पावरफुल भगवान राम है उतने ही पावरफुल भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी जो कृष्ण है वो भगवान राम के सोर्स है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारा होना बहुत जरूरी है। और इन ये अलग अलग अवतार भगवान क्यों ले रहे हैं? देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण स्वयं आए, लेकिन कलयुग में जो है संहार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पापियों को मारने जाएंगे भगवान तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा, क्योंकि सब जगह ही पाप हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान जो है आके संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करते, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे। फिर उसके बाद जो है श्रील प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि ये जितने भी अवतार हैं ऐसे नहीं है कि ये आए प्रकट हुए और फिर खत्म हो गए, नहीं, हमेशा से रहते हैं। जैसे कल की अवतार है, अभी कल की अवतार ऐसा नहीं है कि कल की अवतार तो अभी कलयुग के एंड में होगा तो अभी कल की एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं, वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो अपने लीला को मैनिफेस्ट करेंगे कलयुग के अंत में। और ऐसा नहीं है कि कलयुग के अंत में जो है अपनी लीला को मैनिफेस्ट करने के बाद कल की खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो जो है दूसरा जगह पे जाके अपना लीला को करेंगे। तो भगवान के अवतार जितने भी हैं वो नित्य हैं, उनका कभी भी किसी भी कंडीशन में जो है ना तो जन्म हो रहा है ना मृत्यु हो रही है। इसलिए सारे के सारे अवतार जो हैं वो क्या हैं? वो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है। तो उनको हम लोग मटीरियल नॉलेज से नहीं समझ सकते। आप मटीरियल नॉलेज से अपने आज के एक्सपीरियंस से भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे अभी मैं नीचे अपने रूम में बैठा, तो अपने रूम में मैं पंखा चलाता हूँ। आप में से बहुत सारे डिवोटीज मुंबई से क्लास अटेंड करते हैं, तो दिन में आप लोग अभी भी जनवरी के मौसम में पंखा चलाते हैं, लेकिन जो डिवोटीज दिल्ली में बैठे हैं उनको ये चीज सुन के बहुत अजीब लगेगा, ये लोग पंखा चला रहे हैं। उनको लगेगा अरे इतनी ठंड हो रही है, ठंड में लोग पंखा चला रहे हैं, तो उनको एक बार में इस चीज को समझने में टाइम लगेगा। बट क्योंकि मैं भी उस गर्मी को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, आप भी उस गर्मी को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो मेरे और आपके लिए पंखा चलाना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन दिल्ली वालों के लिए पंखा चलाना इस समय बहुत एबनॉर्मल चीज है, तो उनके लिए एक बार को समझना मुश्किल हो जाएगा। अब उनको ये चीज अगर समझना है कि मुंबई वाले पंखा चला रहे हैं, तो इस चीज को वो अपने खुद के उस समय के जो ठंड का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस का, उससे नहीं समझ सकते हैं। उनको जो है नॉलेज लेना पड़ेगा कि भैया मुंबई का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री, 27 डिग्री, 31 डिग्री हो रहा है, इसलिए वो लोग पंखा चला रहे हैं। तो वो नॉलेज के बेस पे अंडरस्टैंड करके पकड़े। वैसे ही कई सारे जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान के अवतारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि मैं कहाँ तक पहुंचा। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जब वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो जा रहे हैं। उनको जो है भगवान जो है लगते हैं कि कोई इमेजिनरी फिगर है, तो इसके कारण वो जो है अलग अलग तरह की फिलॉसफी बना लेते हैं कि वो कोई भगवान नहीं है, वो तो केवल एक राजा थे, कोई कोई पावरफुल पर्सन थे, एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थे या एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, लोगों की लोक कथाओं में जो है प्रचलित हो गए या मर गए, इस तरह से करके बहुत सारी अलग अलग अपने अपने लेवल पे जो है भ्रांतियां क्रिएट कर रहे थे। तो लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें जो है भगवान को अगर जानना है, तो भगवान ने जो नॉलेज दिए उसके माध्यम से जानना हो, तो भगवत गीता में, भागवतम में भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे। हम तो अपने लेवल पे भगवान को जान नहीं सकते, लेकिन भगवान स्वयं आके अपने आप को समझा रहे हैं। और जब भगवान स्वयं अपने आप को अपने बारे में बता रहे हैं,
तब हम जो है उसको सुनेंगे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, तभी हम उसको समझ पाएंगे। अभी जैसे अब इस क्लास में अभी हम 30 लोग बैठे, अभी आप में से 29 डिवोटीज अगर सोचें कि राम हरिदास को हम जानना चाहते हैं, तो आप सब अपने अपने घरों में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कैसा हूं, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप अपने अपने लेवल में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या आप उससे, आप मेरे को जो एक जो है एक कंडीशन सोल है, आप उससे मेरे को समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम एक कंडीशन सोल को जो 3 गुणों के प्रभाव में पूरी तरह से है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे, तो उस व्यक्ति को जो जो 3ों गुणों से ऊपर है और जिसके अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य कर रही है, जो मन बुद्धि अहंकार के से जो है से पकड़ में नहीं आ सकते, ऐसे व्यक्ति को कैसे हम लोग समझ लेंगे मेडिटेशन के द्वारा? इसीलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है उस व्यक्ति के पास जाए। आदो गुरु पादाश्रया, इसलिए गुरु के आश्रय में जाके उनसे सुनने की जरूरत है, तब हमें पता चलेगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, मेरा प्रकृति से क्या संबंध है, और मेरे लिए क्या करने की जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, और अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। संबंध, अभिदय, प्रयोजन, ये सब हमें क्लियर होता है जब हम सेवा करते हुए ह्यूमिलिटी के साथ अपने गुरु से, आचार्यों से, वैष्णवों से श्रवण करते हैं, तब ये हमें क्लियर होगा। और जैसे जैसे हम इस प्योरिटी के लेवल पे आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ में, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे को ये वाला रूप बहुत अच्छा लगता है तो मैं इस रूप की पूजा करूंगा, मेरे को मेरे लिए जो है मेरे फेवरेट भगवान कौन है, मेरे फेवरेट भगवान कृष्ण है तो मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, मेरे फेवरेट भगवान कौन है, राम, तो मैं राम की पूजा करूंगा। नहीं, जब तक हम लोग कंडीशन सोल हैं, हमारे को सारे के सारे जितने भी भगवान के अवतार हैं उनको हम बराबर से पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसको हम लोग उसी उत्साह से मनाते हैं जिस उत्साह से हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। एक्सटर्नली उस लेवल में भले हम लोग ग्रैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पसेस भी हमें देखना पड़ता है, बट उत्साह उसी तरह से होना चाहिए क्योंकि भगवान का आस्था। फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है भक्त लोग शुद्ध होते चले जाते हैं, उनका जो भगवान के साथ में संबंध है वो प्रकट होने लगता है। जैसे आप इस श्लोक में देखेंगे, हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया गया है, हनुमान जी का जो है स्पेशल अट्रैक्शन जो है भगवान राम के प्रति है। तो एक जगह पे जो है हनुमान जी बोलते भी हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नाने व जाने न जाने न जाने, कि मेरे जो माता पिता हैं वो राम ही हैं, मेरे गुरु भी राम हैं, मेरे भ्राता भी राम हैं, मेरे सखा भी राम हैं, मेरे सर्वस्व राम हैं, मैं राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, क्योंकि वो उस लेवल पे है तो, और ये उनके लिए नेचुरल है। इसीलिए जो है वो भले ही जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं मुकुंद दत्त के रूप में, तो भी वो भगवान राम का ही भजन कर रहे हैं, यद्यपि वहां पे जो है चैतन्य महाप्रभु परम जो है औदार्य रस का, भगवान की माधुर्य लीला का प्रचार कर रहे हैं, वो फिर भी उस समय में भी वो जो है भगवान राम का ही भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे है कि उसमें वो आनंद ले रहे हैं। और जितना आनंद गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में ले रही हैं, उतना ही आनंद हनुमान जी भी भगवान राम के जो है दास्य भाव में सेवा करके ले रहे हैं और कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जॉब में होते हैं तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रमोशन के बारे में सोचते हैं,
अब हम इस लेवल पे आ गए, अब नेक्स्ट लेवल प्रमोशन होगा। ठीक है, अब हम शांत रस में आ गए, अब हम दास्य रस में आ गए, साख्य रस में आ गए, वात्सल्य में आ गए, अब हम प्रमोट होके माधुर्य में आ गए। नहीं, वो जिस लेवल पे है उस लेवल पे वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। जो लोग जो भक्त जो भगवान की शांत रूप में सेवा कर रहे हैं वो जो है गोलोक में घास बन के सेटिस्फाइड है, फूल बन के सेटिस्फाइड है, पेड़ बन के सेटिस्फाइड है, पूरा उसमें आनंद उठा रहे हैं। अब इस चीज को हमारे लिए और भी समझना जरूरी है कि भगवान हमारे सामने भी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, भगवान हमारे सामने भी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें दिखाओ भगवान दिखाओ, तो भगवान को उस तरह से सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में देखना भी पॉसिबल है और भगवान उस रूप में भी सामने खड़े हैं, लेकिन अभी हम लोगों का वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उस रूप में भगवान को देख पाए। आप देखिए भगवद्गीता पढ़ेंगे तो वहां पे अर्जुन जो है भगवान का विश्व रूप को नहीं देख पा रहे, अर्जुन जो है भगवान का विश्व रूप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए अर्जुन को जो है भगवान जो है दिव्य चक्षु देते हैं जिसके माध्यम से विश्व रूप देख सके। विश्व रूप जो है वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म है भगवान का, अगर भगवान का कोई मटेरियलिस्टिक फॉर्म है तो विश्व रूप है, तो वो रूप नहीं देख पा रहे जब तक भगवान उसमें कृपा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो है लोग बोलते हैं कि हमें जो है दिखाओ भगवान दिखाओ, फिर ऐसे लोग जो है चले जाते हैं वृंदावन और वृंदावन में वो अलग अलग कुंजों में और निधि वन में जाके कहते हैं कि ठीक है हम लोग भगवान को ढूंढेंगे। कुछ लोगों ने जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे कि ठीक है हम लोग रात में निधि वन में घुस जाते हैं और रात में जो है यूट्यूब वीडियो बनाते हैं निधि वन में और एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे भगवान जो है अपने गोपियों के साथ रासलीला करते हुए हमें दिखेंगे और हम उसको यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो भगवान को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और जब वो इस तरह से निधिवन में पहुंच जाते हैं रात में और उनको जो है भगवान वहां पे नहीं दिखते हैं तो उनका जो है विश्वास खत्म हो जाता है, वो सोचते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर जो है बहुत सारे लोग वृंदावन में भी आप देखेंगे कि अलग अलग मतलब जबरदस्ती इस तरह से भगवान का एक्स्ट्रॉर्डनरी लीला को दिखाने का कोशिश करेंगे। भगवान का प्रेजेंस पान को आधा चबाया हुआ मिलने में, बिस्तरों पे सिलवटे मिलने पे, या जमुना के तट पे पैरों का निशान मिलने पे, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वृंदावन जो है भगवान का घर है और वो कहीं पे भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भगवान की खुद की मर्जी है। वो हर रोज निधिवन के अंदर जाके लीला रासलीला करने के लिए बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है। वो कभी बेडरूम में रहें, ड्राइंग रूम में रहें, डाइनिंग रूम में रहें, उनकी मर्जी, कहीं पे भी रहें जाके। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि निधिवन में देखे तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इस तरह से लोगों का विश्वास टूट जाता है। एक स्टूडेंट मेरे से आके बोला कि प्रभु जी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसमें एक यूट्यूबर रात में निधिवन में चला गया और निधिवन में जाके वो ढूंढ रहा है कि कृष्ण कहाँ है रात में लाइव करता होगा, लेकिन नहीं दिखा। तो हम लोगों को मेरे को बड़ा दुख हुआ ये देख के कि कृष्ण नहीं दिखे वहां पे, तो क्या कृष्ण सच में है कि नहीं है। तो इस तरह से अपने मटेरियलिस्टिक सेंसेस के ऊपर लोग डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए हमें समझना होगा कि जब तक हम लोग इस स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं आ जाते तब तक हम भगवान के साथ उस रूप में आदान प्रदान कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ग्लिम्स देखना चाहते हैं तो जैसे आज मैं बाहर आके छत पे आके बैठा हूँ, तो मेरे साथ अभी मैं इधर बैठा हूँ तो मेरे ऊपर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आ रही है। अब मेरे ऊपर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आ रही थी, मैं डायरेक्ट सूर्य के सामने बैठ भी नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बैठ पा रहा सूर्य के सामने? क्योंकि सूर्य का तेज बहुत ज्यादा है। लेकिन आप भागवत पढ़ोगे, आप कितनी बार आता है कि भगवान का तेज तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा है। अगर भगवान हमारे सामने आके यहाँ पे खड़े भी हो गए पकड़ ही नहीं पाएंगे।
फिर उसके बाद आप एक जगह पे भगवान राम का वर्णन आता है, कैसे कि भगवान राम का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजमय है, लेकिन फिर भी वो चंद्रमा के समान शीतलता देते हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज है, लेकिन फिर भी उस तेज में वो चंद्रमा के समान शीतलता दे रहे हैं, कैसे समझोगे? तो जब तक हम लोग उस स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम जितने भी भगवान के अवतार हैं, हम सबको प्रणाम करें, हम सबको रिस्पेक्ट करें, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमारे को दिया है उसके ऊपर अपने आप को फोकस करें। ऐसे नहीं है कि शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे अलग अलग अवतारों की बात की गई है तो हम उन सारे अवतारों की जो है पूजा में लग जाए, वो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए स्पेसिफाई नहीं किया है। एक बार मैं हिजोलियंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज गुरु महाराज के साथ था रूम में, तो बहुत सीनियर एक डिवोटी हैं, उन्होंने जो है भविष्य पुराण से जो है जो जो भविष्य में आने वाले अवतार हैं उनके उनके ऊपर एक बुक लिखी, और वो महाराज को फोन पे बात हो रही थी, मैं साथ में ही था, तो वो महाराज को वो बुक दिखा रहे, कहते कि महाराज मैंने भविष्य पुराण में अलग अलग जो अवतार आ रहे हैं उसके ऊपर एक बढ़िया बुक लिखी है और मैं चाहता हूँ इसको पब्लिश करना। तो महाराज ने उनको समझाया कि नहीं, हम जो है अब उन्हीं अवतारों की बात करते हैं, उसी नॉलेज की बात करते हैं जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दी, हम जो है दूसरे अवतारों की बात नहीं करते। तो वो व्यक्ति जो है उसका ईगो, बहुत सीनियर डिवोटी है, उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैंने जो इतनी मेहनत करके बुक लिखी है, और जब प्रभुपाद जी ने बोला कि पुराण जो है, शास्त्र जो है, वो हमारे एक्चुअल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, तो क्यों आप मेरे को मना कर रहे हैं इसको पब्लिश करने से? तो मैंने कोई ऑथेंटिक सोर्स से लिया है और उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री लिखा है उसके हिसाब से मैंने उस बुक में एक्सप्लेनेशन लिखा, मैंने उसी शैली में उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? तो महाराज बोले कि नहीं, अब भगवान प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहे महाराज आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, अगर आप मेरे को अगर इस चीज के लिए फोर्स करेंगे तो मैं अभी मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा। तो महाराज फिर उसको समझाए, फिर बाद में वो दूसरे एक सीनियर डिवोटी से बोले कि इसको इनको अगर मंदिर छोड़ के जाना है जाने दो, लेकिन लेकिन जो प्रभुपाद ने बताया हम उसको ही फॉलो करेंगे। जो प्रभुपाद जी ने बताया हम उसी को ही फॉलो करेंगे, उसके बाहर बात नहीं। फिर ये जब कन्वर्सेशन हो गया तो फिर रख दिया फोन, फिर महाराज मेरे से बात करने लगे, बोले मेरे को राम हरी यूसी, ये हमें जो है वही चीज को फॉलो करना है जो प्रभुपाद जी ने दिया, भले ही स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में कितनी भी चीजें हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे को जो प्रभुपाद जी ने दिया है हमें उसको, हमें वो चीज फॉलो करनी है। तो भले ही शास्त्रों में बहुत सारे अनेक अवतारों का वर्णन किया हो, ठीक है, लेकिन हमारे को जो प्रभुपाद जी ने जो है प्रिस्क्राइब किया है प्रोसेस, हमें उसको फॉलो करना, अपने अनुभव के ऊपर नहीं जाना है कि मेरा अनुभव कहता है कि मैं ये करूं, मेरा अनुभव कहता है कि मैं ये करूं। जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक अपने अनुभवों के ऊपर नहीं जाना है। जो गुरु ने जो है जो प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग दी है उसके हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, महाजनो ये गतान सुपन्था, महाजन ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया है उस रास्ते के ऊपर हमें चलना है। भले ही शास्त्रों में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें जो है इस चीज के ऊपर फोकस करना है। और जब हम हमें देखेंगे कि हम लोग इस तरह से लॉयल हैं प्रभुपाद जी के प्रति, हम लॉयल हैं गुरु के प्रति, ये देख के भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जब देखेंगे कि गुरु हमसे प्रसन्न है, तब जो है भगवान अपने आप को रिवील करेंगे।
तब भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा प्रोसेस करना, बड़ी बड़ी तपस्या करना, यज्ञ करना, ये सब जरूरी नहीं है। जो गुरु ने बोला है वो करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग प्रचार करते हुए भी मूवमेंट से डेविएट हो जाएंगे। हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो भी डेविएट हो जाएंगे, हम लोग भगवत गीता भागवत को पढ़ रहे हैं तो भी डेविएट हो जाएंगे, हम लोग हरि नाम का जप कर रहे हैं तो भी डेविएट हो जाएंगे। बहुत सारे भक्त लोग जो पहले आज जो इस मूवमेंट को छोड़ के जा चुके हैं, जो आज जा रहे हैं, सारे लोग अनपूर्ण नहीं है, बहुत सारे उसमें से भागवत को पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं, उनको चीजें मालूम है, वो फिर भी जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई कई 64-64 माला रोज करते थे, 108 माला रोज कर रहे थे, रोज कर रहे थे, फिर भी मूवमेंट छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े प्रचार करने वाले, बड़ा बड़ा लेक्चर देने वाले छोड़ के जा रहे हैं। तो ये प्रचार हरि नाम भागवत ये आपको बना या आपको भक्ति में बढ़ाएगा तो सही, लेकिन भक्ति में टिके रहने के लिए जरूरी है कि हम लोग जो गुरु ने जो हमें आदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने जो हमें डायरेक्शन दी है, उसको हम लोग फॉलो करें। तभी तो आप 11th कैंटो में जो है भक्ति के लिए जो है दो चीजें बोली गई है। पहली चीज भक्ति के लिए क्या बोली गई कि यदि आप आंख बंद करके भी इस रास्ते पे दौड़ोगे तो भी आप गिरोगे नहीं। यदि आप आंख बंद करके भी इसके रास्ते पे चलोगे तो गिरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो भक्ति का पथ है इतना सेफ है कि आपको हर सिचुएशन से बचाएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचाएगा। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कितने बड़े बड़े भयों से आपकी रक्षा करेगा अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली। वहीं दूसरी जगह पे जो है भक्ति के रास्ते को कंपैरिजन किया है कुरस्य धारा। कुरस्य धारा मतलब ये भक्ति कैसी है, जैसे तलवार के ऊपर चलने के जैसे है। भक्ति का कंपैरिजन किया गया तलवार के ऊपर चलने के जैसे है कि आप थोड़ा भी लेफ्ट राइट मेरे तो आपका पांव कट जाएगा। इसीलिए जब प्रभुपाद जी देखते थे कि भक्त लोग शुरू में जो है गौड़िया मठ के जो है कनेक्शन में आ रहे हैं या उनके गुरु भाई से, प्रभुपाद जी के गुरु भाई से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा कंसर्न होने लगता था, उनको बहुत डर लगता था, वो इमीडिएट भक्तों को जो है बचाने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे भक्त लोग इस चक्कर में छोड़ के चले गए, गौड़िया मठ में चले गए। प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला वहां पे कि मैंने जो फिलॉसफी दी अगर आप उससे थोड़ा भी डेविएट हो गए तो सारा का सारा मूवमेंट खराब हो जाएगा। तो हमें जो है कितना सावधान रहने की जरूरत है। आज जो है आज आप देखिए आप महाराज जो है रेगुलर वृंदावन जाते हैं, गुरु महाराज हमारे रेगुलर वृंदावन जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो वृंदावन में जाके जो है भगवान की लीलाओं का केवल आनंद लेने के लिए जाते, वो तो उनका इंटरनल स्पिरिचुअल फॉर्म है, वो तो हमें समझ में नहीं आएगा, वो तो इंटरनली उनको वृंदावन से मतलब नहीं, वो तो कहीं पे भी उस चीज को रिलिश करते हैं, लेकिन वो कई बार वृंदावन जाते अपने अपने भक्तों को बचाने के लिए। बहुत सारे जो है राधा कुंड में जो है अलग अलग बाबा जियों के जो है कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और बाबा जी बन जाते हैं, मूवमेंट छोड़ रहे थे, बहुत सारे आज भी छोड़ रहे हैं, आज भी छोड़ रहे हैं और राधा कुंड में जाके बाबा जी बन जा रहे हैं। तो महाराज का बहुत टेंशन रहता है कि कोई राधा कुंड पे जाके इन्फ्लुएंस ना हो जाए। फिर महाराज जाते हैं वृंदावन और उन भक्तों को बुलाते हैं अपने पास, उनसे पर्सनली मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं, बहुतों को महाराज बचा के लेके आए, बहुत छोड़ के चले गए, ये आज भी हो रहा है। तो अब वो किसके पास जा रहे हैं, वो तो राधा कृष्ण का ही तो भक्ति करे, वो तो अलग अलग अवतारों के पास भी नहीं जा रहे, वो तो केवल राधा कृष्ण का भक्ति कर रहे। लेकिन राधा कृष्ण का भक्ति करने के बाद भी डेविएट हो गए, उनका जो है रास्ते से पतन हो गया,
क्यों? क्योंकि गुरु के निर्देशन को छोड़ दिया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिए, अब केवल ये भागवत पे आ जाइए कि हम ठीक है, हम लोग बाकी पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल भागवत को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि भागवत को बिल्कुल पी जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने जाके संस्कृत सीखना शुरू कर दिया ताकि आप जो है इन संस्कृत के श्लोकों को और ध्यान से समझ सके। तो आपने जो है संस्कृत की क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से संस्कृत सीख सीख के प्रभुपाद के ऊपर अपराध कर जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको संस्कृत के वो श्लोक पढ़ लिए, वो अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जब वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जो प्रभुपाद जी ने मीनिंग दिया है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये श्लोक का मीनिंग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब प्रभुपाद जी ने जो है श्लोक का तात्पर्य अपने हिसाब से लिखा है, श्लोक के हिसाब से नहीं लिखा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भागवत केवल भागवत को पढ़ के भी गड़बड़ कर दिया और उनका पतन हो गया। ऐसे हैं और आज भी इस तरह के लोग हैं, भले ही हमारे को कई बार दिखेंगे कई बार नहीं दिखेंगे, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं। प्रभुपाद जी जो है वो गूगल ट्रांसलेट नहीं है संस्कृत टू इंग्लिश, कि इधर से संस्कृत का श्लोक डाला इधर से इंग्लिश का ट्रांसलेशन, नहीं, प्रभुपाद जी गूगल ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जो है उस श्लोक का जो मीनिंग है, जो उसका जो मूड है, वहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमारे सामने रिवील कर रहे हैं। प्रभुपाद जी रिवील कर रहे, गूगल ट्रांसलेट नहीं कर रहे। इसीलिए जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपना अंडरस्टैंडिंग को श्रील प्रभुपाद जी के रास्ते पे बना के चले। अभी मैं महाराज के साथ में कुरुक्षेत्र में था, तो एक डिवोटी महाराज से पूछ रहे थे कि महाराज हमारे पास ऐसे भक्त हैं जो बहुत भागवतम पढ़ते हैं, मतलब अभी नए नए भक्त हैं और अभी भक्ति में, और लेकिन उनका रीडिंग बहुत स्ट्रांग है, दिन में चार, मतलब अभी तक वो तीन तीन चार चार पांच पांच बार भागवतम कंप्लीट कर चुके हैं, और कितने साल के, 20 20 22 22 साल के लड़के हैं, चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ लिए, इतना वो हैवी उनका रीडिंग है, और सेवा भी बहुत करते हैं, मुंह से झाग निकल जाए इतना सेवा करते हैं, और इतना उनका हैवी रीडिंग है। तो क्या वो अब इतनी बार भागवत पढ़ने के बाद वो आचार्यों की कॉमेंट्री पढ़ सकते हैं? महाराज बोले नहीं, Tell them to read Prabhupada books again. दोबारा Prabhupada की books पढ़ो। कहते ठीक है महाराज, they will read again. उसके बाद क्या? Tell them to read again. ठीक है महाराज, आज से चार पांच साल के बाद क्या? जब वो इतनी बार और पढ़ चुके हैं, महाराज बोले फिर से बोलो Prabhupada का book पढ़ने। क्योंकि फिर महाराज अपना experience share किया कि मेरे को आज तक एक भी ऐसा भक्त नहीं मिला है जिसने एक्चुअल में प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी हैं और वो ये सोच रहा है कि इसके अलावा भी कुछ और है। महाराज ये बोले मैं आज तक एक भी ऐसा वक्त नहीं मिला जिसने एक्चुअल में प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी है उनको, और उसको ये रियलाइजेशन ना हुआ हो कि प्रभुपाद की बुक्स के अलावा बाहर कुछ और भी है क्या। ये सोचिए आप महाराज जिस लेवल पे बात कर रहे, तो कितना हमारे जरूरी है कि आचार्यों के द्वारा दिए गए रास्ते पे चल के हम लोग भगवान को प्राप्त करने का कोशिश करें। बहुत सारे अवतार हैं, ठीक है, अब और अंदर चलते हैं श्लोक में, और डीप चलते हैं। अब हम इन सब चीजों को क्रॉस कर दिए हैं, ना हम लोग इधर उधर की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, ना हम लोग ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, हम लोग ने जो है प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्या है, जब हम इस तरह से सेवा करेंगे तब क्या होगा, हम जो है भगवान को हर चीज में रियलाइज करते हैं। अब देखिए भगवत गीता में भगवान अपने आप को कितने सारे अलग अलग फॉर्म्स में बता रहे हैं। रसो हम अपस्तुकौन्तेय, जो जल का जो रस है वो मैं हूं, जो जल का जो रस है वो मैं हूं। तो अगर हम लोग ये प्रभुपाद जब इसके ऊपर लेक्चर देते हैं बार, हमेशा ये वाला पॉइंट बोलते हैं कि व्हेनेवर यू ड्रिंक वाटर, जब भी आप पानी पिए, रिमेंबर दैट द टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्ण, देन यू आर कृष्ण कॉन्शियस। तो
यहाँ हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं। फिर बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता, जो बलवान का बल है वो भगवान है। तेजस तेजस्वी नाम अहम, जो तेजस्वान का जो तेज है वो भगवान है। फिर 11th कैंटो में, 11th चैप्टर में भगवान बोल रहे, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कालो अस्मि मैं काल हूँ। मृत्यु सर्वश हरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। इस तरह से अग्नि अग्नि हम अहम हुतम, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, उसमें जलने वाला सामग्री भी मैं ही हूँ, उसमें जो मंत्रो हम मंत्र भी जो है वो मैं ही हूँ। तो कितना भगवान अपने आप को जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हम लोग इस चीज को रिमेम्बर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हमारे लिए ये चीज को कर पाना जो भगवान हमारे लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इस चीज को करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज को प्रैक्टिस करें। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग कितना जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग क्या चीज रियलाइज कर रहे हैं, हमारे को भगवान क्या चीज रिवील कर रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और जो नॉलेज हम हमें रियलाइज मिलेगी, वो नॉलेज हमारे हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। और जब वो रियलाइज नॉलेज हम दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, तो सामने वाले का हृदय ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम वहां में जाके वही चीज शेयर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सारी चीजें रट के बोल देना। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप रट मेरे मेरे बुक्स को तोते के जैसे रट के बोल दो, वो इसलिए कि ताकि हम लोग फिलोसफी से अलग ना हो जाए, इधर उधर का चीज ना बोलने लग जाए। बट प्रभुपाद का मूड क्या है कि हम लोग इस चीज को समझे, अपना एक्सपीरियंस को फिर लोगों को बताएं। और जब हम इस एक्सपीरियंस को जब लोगों को बताएंगे, तब क्या होगा, लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ये जो सिंपल जो आ, जो हम लोग लेक्चर आज डिस्कस कर रहे हैं, यही आपको सुनने में बड़ा आनंद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति है, वो अपना एक्सपीरियंस, अपना रियलाइज नॉलेज आपके सामने शेयर कर रहा है। और इसी चीज को जो है तोते के जैसे, या फिर एक रट के, या बहुत सारा इधर का श्लोक उधर का श्लोक, इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान लाके आपके सामने अगर प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो, हम हरी बोल बोले और निकले, आपको आप उसको रियलाइज ही नहीं कर पाए। आप सोचिए, जब एक माँ, आप किसी के घर जाओगे जिसका छोटा बच्चा है, वो माँ से आप जब आप मिलते हो, माँ है या उसकी दादी है या उससे मिलते हो, तो किस तरह से अपने बच्चे के बारे में बताते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। आपको सुनने में कितना आनंद आता है? क्यों आता है आनंद आपको? क्योंकि आपके माइंड में, आपके इमेजिनेशन में भी आने लगता है। क्यों आ रहा है आनंद, सुनने में मजा आ रहा है? क्यों? क्योंकि उस माँ ने, उस दादी ने अपने बच्चे की, अपने पोती की लीलाओं को रियलाइज किया ना, उसकी एक्टिविटीज को रियलाइज किया। इसलिए जब वो अपना वो रियलाइज नॉलेज आपके सामने शेयर कर रही है, तो आपको सुनने में आनंद आता है। अगर उसको, अगर उस माँ को पता चले कि आप सुबह माता जी घर आ रही है हमारे, तो जल्दी जल्दी जो है गूगल पे खोल के नोट्स बना रही है कि एक नॉटी बच्चा क्या करता है, वो जल्दी जल्दी उसने नोट्स बनाए, इधर से नोट्स बनाए, इधर से नोट बनाए और लिख लिए। और माता जी जब आई उनके, तो उसने जो है अपने नोट्स सामने रखे, खोले और आपको बता रही है कि एक शरारती बच्चा ये करता है, ये करता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। तो आपको सुनने में मजा आएगा? नहीं आएगा, हम वहां से चले जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइज नॉलेज नहीं, वो इधर उधर का ज्ञान आके उठा के आपको बता रही। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होगा जब आप रियलाइज नॉलेज शेयर करें। और रियलाइज नॉलेज शेयर करने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, जितना हमारा अधिकार है उस हिसाब से हमारे को जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जाके सामने वाले को बता देना है, उसमें सामने वाले का हृदय परिवर्तन। अब ये चीज जो है महाराज बोलते हैं, महाराज इस चीज को क्या बोलते हैं, कई बार महाराज अपने लेक्चर बड़ा सिंपल रखते हैं, हमें लगता है सिंपल होते नहीं है, लेकिन महाराज अपने लेक्चर में बहुत सिंपली चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके ऊपर आप महाराज का नॉलेज, उनका रियलाइजेशन को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस नॉलेज को हमारे अधिकार के सामने, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं।
हमारा अधिकार इतना है तो इतना ही वो प्रेजेंट करते हैं। उनका नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत हाई है, क्योंकि मैं महाराज से रीडिंग किया हूं ना, मेरे को मालूम है। जब राधाष्टमी का टाइम आता है तो कई बार महाराज राधा रानी के बहुत, राधा रानी का बहुत हैवी पास्ट टाइम्स वगैरह, कई बार वो मूड में होते हैं तो बहुत हैवी पास्ट टाइम सुनते हैं। मैं खुद रीडिंग किया महाराज के लिए, लेकिन जब वो क्लास में आएंगे तो सिर्फ तत्व पे बात करेंगे, बेसिक बेसिक चीजें के ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार होता है। आप सोचो, मैं हरिदास ठाकुर के ऊपर महाराज के लिए कम से कम 3 4 5 दिन सिर्फ हरिदास ठाकुर की के ऊपर डिस्कशन करा, रीडिंग किया। हरिदास ठाकुर कौन है, कहाँ उनका वो ब्रह्मा जी के अवतार कैसे हैं, इसी टॉपिक के ऊपर 2 3 दिन हम रीडिंग किया जाके महाराज के पास। सोचो कितना डिटेल में पढ़ा होगा। अरे महाराज हरिदास ठाकुर का पास्ट टाइम सुनाते, सिर्फ उतना ही बताते जो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। वो उतना ही हमारे सामने जो है रिवील करते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। अब महाराज का वो लेवल है कि वो इस सब चीजों को रिलिश करते हैं, इसीलिए उनका अलग है। अभी हम लोग इतना कंडीशन सुन हैं कि हम लोग भागवत को पढ़ते टाइम थोड़ा सा सो जाते हैं, थोड़ी देर में घड़ी देखने लगते। ये चीज है। तो ऐसे जब हम रियलाइज सोल से जब सुनते हैं, गुरु से प्रभुपाद जी से जब हम सुनते हैं, तब क्या होगा? तब हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। तब हम ये जो अवतारों के बारे में सुन रहे हैं, भगवान अपने आप को किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, क्या लीलाएं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, इसमें हमें आनंद आएगा, रिलिश करेंगे। फिर हमारे लिए जो है भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रचार करना, ये ऑफिस ड्यूटी जैसा नहीं हो जाएगा कि हमें बोला है तो करना है। हम लोग आउट ऑफ लव करेंगे, फिर ये आउट ऑफ लव होगा, प्रीति पूर्वक। ये तो तभी होगा जब हम जो है गुरु के आश्रम में रह के भक्ति करेंगे। यस्य देवे परा भक्ति, तो जब हम जो है यथा देवे तथा गुरु, है ना, जब हम इस तरह से करेंगे तो ये ज्ञान हमारे को रिवील होगा। और जब भगवान, जब गुरु प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, अपने आप को रिवील कर देंगे। यहाँ पे कर्दम मुनि के सामने भी तो भगवान अपने आप को रिवील किया ना। और ऐसा नहीं उस समय कर्दम मुनि अलग अलग नोट्स खोल के उनके लिए प्रार्थना करें, स्पॉन्टेनियस प्रार्थना करें, और वही प्रार्थना भागवत बन गया उनका रियलाइजेशन। या आप जो भागवत पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये सुखदेव गोस्वामी जी का रियलाइजेशन है। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, यह स्वानुभाव, अपने अनुभव को, किसके अनुभव को, अखिल श्रुति सारम एकम, सारे अखिल श्रुति जितना भी उसको जो है अनुभव करके सार को हमारे सामने प्रस्तुत करे, सारम सारम समुद्र पे प्रस्तुत करे, ये जरूरी है। इसलिए हम जब इस तरह से गुरु के निर्देशन में रहकर सुनेंगे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। अगर हम केवल ज्ञान के लेवल पे खुद को सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए सुनेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो सिर्फ अहंकार। तब हम, जब हमारा प्रेम बढ़ेगा तब हम ये अलग अलग अवतारों को समझ पाएंगे, उनके प्रति सेवा का भाव डेवलप। नहीं तो हम लोग जाएंगे देखेंगे, अच्छा अच्छा ये अवतार है, ओके अच्छा नेक्स्ट, ये अवतार है, ओके नेक्स्ट, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे मंदिरों में अलग अलग अवतार को दर्शन करके आ जाएंगे और घर आके जो है भोग में लग जाएंगे, परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट्री है, फीडबैक, प्लीज।